चैप्टर नंबर 37। इस चैप्टर में हम देखते हैं कि मिस पैगेटी जो है वो वापस यार्मोथ चली जाती है, क्योंकि उन्हें हैम की देखभाल करनी होती है, तो वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद डेविड जो है वो डिसाइड करता है कि वो डोरा को सब कुछ बता देगा कि उसके साथ किस तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आर्थिक तंगी आ गई है उसके यहाँ। तो वो डेविड जाता है डोरा के पास और उसे बताता है। डोरा जैसे ही सुनती है कि डेविड बहुत ही गरीब हो गया है, उसके पास पैसे नहीं हैं, तो डोरा बहुत ही परेशान हो जाती है और उसे कहती है कि देखो ये सब बातें मेरे पास मत करो, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, मैं ये सब नहीं सह पाऊँगी। इसके बाद डेविड उसे समझाता है कि सुनो, तुम थोड़ा बहुत काम करना सीख लो, घर का खाना वाना बनाना सीख लो, ताकि हम दोनों मिलकर इस फाइनेंशियल जो क्राइसिस आई है इसको हम साथ में मिलकर सहें। तो डोरा कहती है कि देखो मुझसे ये सब उम्मीद मत करो, ये सब मुझसे नहीं होगा, तुम ये क्यों चाहते हो कि मैं ऐसा करूँ, ये सब मुझसे नहीं होगा। तो डेविड जो है डोरा की जो फ्रेंड है मिस जूलिया मिल्स, उनके पास जाता है और उससे कहता है कि प्लीज़ आप इसको समझाओ। जूलिया कहती है हाँ ठीक है, मुझे भी लगता है कि उसे ये सब सीख लेना चाहिए, घर का थोड़ा बहुत काम और थोड़ा बहुत खाना बनाना। लेकिन वो कहती है कि देखो मुझसे उम्मीद मत रखो, क्योंकि मुझे लगता है कि डोरा इस बात के लिए नहीं मानेगी।